ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਈ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਖਬਰ। ਦੋਸਤੋ, ਖਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਖਬਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ श्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के वधे केसां दे मद्देनजर एक बार फिर राजधानी दे लोकां नूं अपील कीती है कि सावधानी वरतो तां ही असीं कोरोना खिलाफ जंग जीत सकदे हां अते मामलियां च कमी आएगी। केजरीवाल ने मंगलवार नूं प्रेस कॉन्फ्रेंस करदे होए कहा है कि दिल्ली सरकार नूं तालाबंदी लाउण उत्ते मजबूर ना कीता जावे। नाल ही उन्होंने केंद्र सरकार नूं अपील कीती है कि CBSE दीआं परीक्षावां रद्द कीतीआं जाण क्योंकि हालात नूं वेखदे होए इही सही फैसला है। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि कई राज्यां च परीक्षावां रद्द कर दित्तीआं गईआं हन। सो दोस्तों, दिल्ली दे मुख मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने भी कोरोना दे वध रहे केसां नूं मद्देनजर रखदे होए CBSE बोर्ड दीआं चल रही परीक्षावां नूं रद्द करन लई केंद्र सरकार अगे अपील की है। हुण फैसला CBSE बोर्ड दे वल्लों आउणा बाकी है। दोस्तों, तुहाडी इस बारे की है राय? CBSE बोर्ड, पंजाब बोर्ड अते बाकी होर भी बोर्डां दीआं क्लासां दे पेपर कैंसल कर देने चाहीदे हन या नहीं, अपनी राय कमेंट करके जरूर देना अते नाल ही चैनल नूं सबसक्राइब भी कर लेना तां जो इसे तरह दे लेटेस्ट अपडेट हम सब तों पहलां मिल सकन। अजे तक लई इन्ना ही, जल्दी ही जरूरी जानकारी लैके मिलदे हां अगली वीडियो विच। तद तक लई धन्नवाद।